గట్టర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లో ఆర్ మైక్రోస్కోపిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓమ్స్ లో. तो वेक्टर फॉर्म या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ओम्स लॉ की होती है जे इक्वल्स टू सिग्मा ई, जे वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा ई वेक्टर. यहाँ जे है करंट डेंसिटी, सिग्मा कंडक्टिविटी एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड. तो रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए कंडक्टर ऑन ए कंडक्टर इज नोन एज वेक्टर फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. ओके, तो यहां पर ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म इसे क्यों कहा, क्योंकि हम हमारे पास V इक्वल्स टू आई आर जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं, इसमें V पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं वोल्ट मीटर से, करंट को हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं मतलब देख सकते हैं, और जिसे देख सकते हैं वो मैक्रोस्कोप, और जिसे नहीं देख सकते वो माइक्रोस्कोप. यहां पर इसलिए इसका नाम पड़ा. तो यहां पर जो रिलेशन है जे इक्वल टू सिग्मा ई, यहाँ पर कंडक्टिविटी ये डायरेक्ट मेजरेबल नहीं है, तो इसे डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते. वैसे ही कंडक्टिविटी को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, तो किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज तो हैं लेकिन डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते. हम इन्हें मेजर कर सकते थे, देख सकते थे, इसलिए हमने इस रिलेशन को नाम दिया वैक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. ओके, तो यहाँ इसको प्रूव करने के लिए हम लेंगे फ्रॉम रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, एन ई ए वी डी. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर वन. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर रखा है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई टू बाय एम, वैल्यू पुट कर देंगे एन ई ए वी डी की जगह ई टू बाय एम. ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आई इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए ई टू बाय एम. अब हम ए को यहां डिवाइड कर देते हैं इसमें, तो यहां आ जाएगा एन ई स्क्वायर ई टू बाय एम. I by A होता है करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी एन ई स्क्वायर ई टू बाय एम. अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें यहां पता है कि रो मतलब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है एन ई स्क्वायर टू, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है. ठीक है, अब अगर हम इसको रिवर्स रेसिप्रोकल करते हैं इसका, तो एन ई स्क्वायर टू और एम नीचे, इसका मतलब एन ई स्क्वायर टू बाय एम की जगह हम लिख सकते हैं वन अपॉन रो, एन ई स्क्वायर टू बाय एम की जगह वन अपॉन रो मल्टीप्लाई ई. ओके, वन अपॉन रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी, तो वन अपॉन रो की जगह हम लिख देंगे सिग्मा. तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया है जे इक्वल टू सिग्मा ई. अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिग्मा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर से अगर कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो हमें क्या मिलती है, एक वेक्टर क्वांटिटी. तो ये जो रिलेशन हो गया वो वेक्टर रिलेशनशिप है. इट मींस दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ.